लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोलकाता में हुआ टीम योगी का रोड शो। आपको बता दें 6,855 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव हुए हैं। 14 समझौतों पर MOU साइन हुए। यूपी में मिल रहा कारोबार के अनुकूल माहौल। उद्योगपति ये कह रहे हैं माफिया मुक्त माहौल से निर्भीक होकर व्यापार कर रहे। कोलकाता रोड शो में टीम योगी को 6,855 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव और उद्योगपतियों ने कहा यूपी में अब कारोबार के अनुकूल माहौल मिल रहा है। माफिया मुक्त माहौल से निर्भीक होकर व्यापार कर रहे हैं। कोलकाता के उद्योगपतियों ने 14 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कोलकाता 13 जनवरी उत्तर प्रदेश आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आर्थिक नीतियों पर कोलकाता ने भी मुहर लगा दी। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार ने विस्तृत कार्य योजना बनाई और उस पर कार्य कर रही है। इसके तहत टीम योगी ने मंगलवार को कोलकाता में रोड शो इवेंट कर निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आने का न्योता दिया। कोलकाता के द ओब्रॉय ग्रैंड होटल में आयोजित कार्यक्रम में दिग्गज उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उद्योगपतियों ने 6,855 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए 14 समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम के दौरान उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वीडियो संदेश भी देखा। रोड शो इवेंट के दौरान उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी श्रम व सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, IT राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल, अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह और प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मिश्राम, UPSIDA के CEO मयूर माहेश्वरी, MMA सचिव प्रांजल यादव मौजूद रहे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने योगी सरकार की निवेश फ्रेंडली नीतियों के बारे में बताते हुए उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यूपी की नीति और माहौल सबसे बढ़िया है, इसलिए हम आप सभी को बड़े बाजार में आमंत्रित कर रहे हैं। More globally competitive, skilled, empowered, efficient, so that we can be the global powerhouse in all sectors. And in the very spirit of Vasudhaiva. आज उत्तर प्रदेश में एक कानून का राज स्थापित हुआ है। पहले लोग जो है निवेश के लिए मंत्रियों के पास, अधिकारियों के पास जाते थे। आज जो है उत्तर प्रदेश में मंत्री और अधिकारी स्वयं आकर के ऑफर कर रहे हैं कि आप आइए उत्तर प्रदेश में और अपना इन्वेस्टमेंट करिए। और आज इसका बहुत बड़ा जो है परिणाम भी सामने देखने को मिल रहा है कि केवल हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियां, जैसे मोबाइल की जो सबसे बड़ी कंपनी है सैमसंग कंपनी, वो चाइना से अपना उत्पादन बंद करके आज नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में 1.5 लाख मोबाइल प्रतिदिन उत्पादन कर रही है। तो लोगों में एक विश्वास जगा है उत्तर प्रदेश के बारे में। माननीय योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है, भ्रष्टाचार को मुक्त किया है। तो आज जो है बहुत सारे इन्वेस्टर के लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, क्योंकि बहुत बड़ा जनसंख्या के दृष्टि से जो वहाँ पर वो उत्पादन करेंगे तो उसका वहीं पर कंज्यूम भी हो जाएगा, उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हें का रुख कर लेते हैं। अनिकेत, तो देखिए उद्योगपतियों का यही कहना है कि यूपी में अब अनुकूल माहौल मिल रहा है निवेश करने के लिए, क्या अभी जानकारी? देखिए आयुषी, अगर बात की जाए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो कि फरवरी में प्रस्तावित है, और अगर बात की जाए विदेशी निवेशकों की, तो 17 देशों में उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो दौरा करकर जो MOU है वो साइन करकर आए हैं, और उनका औपचारिक ऐलान फरवरी में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है उसमें होना है। हालांकि इसके साथ साथ जो भारत के जो अलग अलग जो प्रदेश है वहां से भी लगातार जो निवेशक है उनको लाने का जो प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का है वो देखने को मिल रहा है। और उसी क्रम में जो कोलकाता में जो रोड शो हुआ था, इसमें औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी के साथ में जो परिवहन मंत्री है दयाशंकर, इसके साथ जो मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश सरकार के, वो भी वहां पर मौजूद थे और तमाम निवेशकों के साथ में बैठक करी। और 68,000 करोड़ से ज्यादा का जो निवेश है उस पर प्रस्ताव बन चुका है, उस पर MOU हो चुका है। 14 समझौते हुए हैं, जैसे टाटा स्टील की बात की जाए या फिर जो भुजिया बनाने वाली जो कंपनी है हल्दीराम उसकी बात की जाए, तो तमाम ये जो कंपनियां हैं इनके साथ में AMU करार हो चुका है, और उसकी औपचारिक घोषणा जो फरवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है
उसमें आयुषी हो जाएगी। तो लगातार अब कहीं ना कहीं निवेशकों की अगर बात की जाए तो उनका रुख देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर ये बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश निवेश के दृष्टिकोण से हर लिहाज से मुनासिब और बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं, फिर वो चाहे विदेशी निवेशकों की बात की जाए या फिर भारत के अलग प्रदेश अन्य जो प्रदेश है वहां के निवेशकों की बात हो, तो अब निवेशकों का जो रुख है वो उत्तर प्रदेश की तरफ होता हुआ दिख रहा है। और साफ तौर पर अगर बात की जाए आयुषी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो तमाम बार वो भी ये बात कहते रहे कि अब उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है। अब बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में जो निवेशक है वो आ रहे हैं, और हालांकि जिस तरह से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लगातार सपना उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2.0 के कार्यकाल के बाद से कहते रहे कि आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था है उसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाना है, तो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से उसकी राहें आसान करने का लगातार प्रयास प्रदेश सरकार का, और उसी क्रम में जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बड़ी संख्या में निवेशकों को इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जोड़ें, ना केवल विदेशी निवेशकों को बल्कि भारत के जो अलग अलग जो जो राज्य जो प्रदेश है वहां से भी निवेशक कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टर समिट में सम्मिलित हो, और उसको लेकर एक बड़ी पहल कोलकाता से देखने को मिली है। आयुषी बिल्कुल अनिकेत, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं, और पहले यूपी के लोग बाहर जाते थे रोजगार ढूंढने के लिए, अब निवेशक यहीं पे अब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है रोजगार तो बढ़ेगा अब यूपी में। हाँ बिल्कुल, यकीनन तौर पर आयुषी जैसा कि बताया कोलकाता में जो इन्वेस्टर जिन्होंने कहा जिन्होंने एमयू किया उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में, तो साफ तौर पर कोलकाता से जो बात सामने निकल कर आ रही कि 14,000 रोजगार सृजित होंगे उन निवेशकों के द्वारा, और उन्होंने भी बात भी कही, फिर जो टाटा स्टील की बात की जाए या फिर हल्दीराम जो भुजिया बनाने वाली जो कंपनी है उसकी बात हो, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में वो रोजगार भी सृजित करेंगे। तो यकीनन तौर पर जो एक बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए बना है, चुनौती है कि आज युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार है, तो उसके लिए इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए कहीं ना कहीं जो रोजगार की जो राहें हैं वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ पाएंगे, और युवाओं को कहीं ना कहीं एक अवसर प्राप्त हो पाएगा कि अपने ही प्रदेश में रह के वो एक रोजगार पा पाए। तो जो पलायन जो होता है या उत्तर प्रदेश की जो तमाम वो जो युवक है जो बाहर जाकर जो नौकरी करने पर मजबूर है, उनके लिए एक जरूर एक कहीं ना कहीं चीजें आसान होती नजर आएंगी और अपने ही प्रदेश में रहकर रोजगार पा पाएंगे। आयुषी बिल्कुल अनिकेत, देखिए अब यूपी वालों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि निवेशक अब यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रोजगार यूपी में ही मिलेगा। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।